चुनावों का ऐलाने जंग हो चुका है। नेता अपनी जुबानी शमशीरों को धार दे रहे हैं, एक दूसरे पर धावा बोला जा रहा है, भाषणों से हमले किए जा रहे हैं, रैलियों से वार किए जा रहे हैं। शुक्रवार का दिन चुनावी मजमू और रैलियों के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसपी बीएसपी की रैली से पहले उत्तर प्रदेश में गरजते नजर आए तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुंकार भरी। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी, चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी, जेल में दूसरा चौकीदार होगा, जेल के बाहर दूसरे चौकीदार होते हैं, तो कार्रवाई तो होगी और बचेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है, उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत दंगे की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। आई लव मिस्टर नरेंद्र मोदी, नो नो आई डू, आई जेन्युइनली मुझे मोदी से किसी तरह की नफरत नहीं है, उन्हें मुझसे नफरत है, मैं उनसे बिल्कुल नफरत नहीं करता। और हेट्रेड टुवर्ड्स मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही हैज एंगर टुवर्ड्स मी, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो एंगर टुवर्ड्स द मैन। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। चुनावी महासमर में लगे हाथ, सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर अपना मास्टर स्ट्रोक साधा। और मैं कहना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अगर आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, कोई आतंकी देश में है नहीं, तो आप एसपी जी की सुरक्षा लिए क्यों चलते हैं? जहां एक तरफ राहुल महाराष्ट्र में अपना दम दिखा रहे थे, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजियाबाद में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। या फिर आप एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जो नकारात्मक हो, जो सिर्फ फिजूल के मुद्दे उठाए, लेकिन आपकी समस्याओं को हल न करें। ये जो है आपके सामने जो मुद्दा है कि आप आगे भविष्य के लिए कैसी सरकार चुनेंगे, कैसी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये आपके हाथ में है। मैंने जगह जगह कहा है कि वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है, लोकतंत्र आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दुर्बल बने, सत्ता आपके हाथों में नहीं हो, वो चाहते हैं कि सारी सत्ता उनके हाथों में हो। तो आप अच्छी तरह से बात को समझिए, लोकतंत्र का मतलब है सत्ता आपकी है, इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के निर्णय करने के लिए सक्षम बने। ये कोई लोकतंत्र नहीं है जहाँ पे आप आवाज उठाते तो आपको फेंका जाता है या आपका मुंह बंद किया जाता है। लेकिन मेरे जहन में इससे बड़ी दुर्बलता है ही नहीं कि आप अपनी जनता की आवाज सुन नहीं सकते, कि आप अपनी जनता के सामने जा नहीं सकते। कांग्रेस ने पीएम मोदी के कांग्रेस घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र कहने पर भी जोरदार जवाब दिया, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर हमले के लिए एक बार फिर एयर स्ट्राइक का सहारा लिया। जब एयर स्ट्राइक हुई, देश भर के अंदर खुशी की लहर, कहीं पटाखे चलते थे, कहीं शहीदों के तस्वीरों पर मालाएं लगाई जाती थी, मिठाइयां बंटती थी, देश भर में उल्लास था, मातम दो ही जगह पे छा,
एक तो पाकिस्तान में छाया था, स्वागत से जाना चाहिए, और दूसरा मातम छाया था, राहुल गांधी के चेहरे पर मातम दिखाई पड़ता था, राहुल बाबा जरा उदास। कि अगर आपको लगता है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में कोई रिश्वत का मामला बनता है तो आप अपील क्यों नहीं करते? पर भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सच्चाई ये है कि एक घबराई मोदी सरकार, लड़खड़ाई और छटपटाई मोदी सरकार, हार 2019 में साफ देख रही मोदी सरकार, अब ईडी को इलेक्शन ढकोसला बनाकर, झूठे इल्जामात लगाकर वो किसी प्रकार से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, पर देश न्याय चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मोर्चा संभाला। माननीय प्रधानमंत्री की द्वेष से, घृणा से, आपसी वैमनस्य से, कठोर शब्दों से लिप्त वक्तव्य और स्पीच हमारे कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और हमारे पीनल कोड में अगर सबसे ज्यादा प्रतिबंधित चीज मानी गई है चुनाव के दौरान, तो वो है धार्मिक आधार पर द्वेष, आपसी वैमनस्य फैलाना इलेक्टोरल गेन के लिए, चुनावी फायदे के लिए। जो मोदी जी ने कहा है बार बार खुलेपन से, बिना किसी प्रतिबंध के, और उसको सीधा वो उन्होंने जो कहा है वो है हिंदूज के बारे में, हिंदू टेरर शब्द के ऊपर, और सीधा चुनावी फायदे के लिए वोट मांगने या वोट मना करने से उसको लिंक किया है। ये बहुत गंभीर ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, हमने सेक्शन बताया 123। जब पूरे देश में इलेक्शन की हलचल मची है तो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान इसमें कैसे पीछे रह सकता है? राजस्थान के चुनावी समर की पड़ताल की हमारी संवाददाता माधुरी कलाल ने। राजस्थान में राज्य की सत्ता की चाबी विधानसभा के बाद ऐसी पलटी कि लोकसभा में हर किसी का ये दिलचस्प वाक्य देखने और दिलचस्प चुनाव देखने का अब नजरिया भी बदल गया है। मेवाड़ संभाग का कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रघुवीर मीणा साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त उनके ऊपर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। इस बार वो प्रत्याशी भी हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में हम ज्यादा और कॉन्फिडेंस रह गए, ज्यादा आत्मविश्वासी रह गए, उस वजह से हमारे कार्यकर्ता धोखा खा गए। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, सच और झूठ के बीच में अंतर करना है, हर मतदाता हर कार्यकर्ता इस बात को लेके बैठा है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में 87 लोग जो है केंद्र में, उन्होंने युवाओं को बरगलाया है, किसानों को बरगलाया है, आम लोगों को बरगलाया है, और झूठे झूठे वादे करके, जुमले सुना के और वोट लिए, शासन में आए। अब मौका आया है मतदाता के लिए, तो निश्चित तौर पे अब कांग्रेस के हाथ में शासन सौंपना चाहता है मतदाता। मैं क्योंकि हम लोग पूरा चुनावी सर्वे कर रहे हैं, अपोनेंट के लोगों से भी, अपोजिशन के लोगों से भी, हमारे उनका कहना है कि हमारा टारगेट 25 है। अगर मैं पिछले साल 2014 की बात करूं तो लोकसभा के चुनाव में 25 के 25 आप लोगों की झोली में थे, आपकी सरकार की झोली में थे। इस बार कितना टारगेट आप लोगों का है? देखिए, कहने के लिए तो क्योंकि विधानसभा में सरकार बदली है। जी जी जी, लेकिन हम भी हारे जरूर हैं, लेकिन हम मात्र 0.5% से हारे हैं हमारे सर जी, और हम 73 हमारी सीटें आई है विधानसभा में, तो हम 25 में से 25 जीतेंगे, दावा उनका है। आप जनता फैसला करेगी और आप देखिएगा, 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ उदयपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से अर्जुनलाल मीणा जी, जिनका कहना है कि इस बार इनका दावा है कि टारगेट 25 को किसी भी हाल में यहां से पूरा करना है और देश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनानी। जैसे जैसे चुनाव और पास आएंगे, वैसे वैसे नए तेवरों के साथ आगे बढ़ेगी ये बिग फाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।